आज हम पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव जहां इन दिनों जो है एक युवक चर्चा में है। 22-24 साल का लड़का चर्चा में क्यों है, इस चीज को लेकर भी बातचीत करेंगे। ये पहले आपको बता दूं, ये गांव है रायकोना जो कि सराई पाली रोड में सरसिवा के पास है। तो बातचीत करेंगे, शिवा भी हमारे साथ है, कि शिवा इन दिनों चर्चा में क्यों है, क्या कारण रहा है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था सरसिवा थाना में, कुछ लोग जो है सरसिवा थाना में घुसने का प्रयास किए गए थे, कहा गया था कि ये शिवा साहू के गुंडे हैं। तो इस वीडियो को लेकर हम बातचीत करेंगे, शुरुआत यहीं से करते हैं। पहले मिलाते हैं आपको शिवा से। शिवा कैसे हो? सब बढ़िया सर। कैसा लग रहा है अभी? आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा, एक चीज कहा जा रहा है शिवा साहू इन दिनों चर्चा में है, क्या है पूरी कहानी सरसिवा थाना का? उस दिन मेरे को, मैं रायपुर में था, मेरे को फोन आया कि आप थाना आइए, आपके खिलाफ ऐसा ऐसा दर्ज हुआ है करके। मैं थाना गया, उस दिन थाना में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, उस भीड़ में मैं भी अंदर गया, मेरे को सामने खड़ा करवाया गया जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, नाम तो उनका पता नहीं है। उसने आवेदन दिया था, मेरे को उसके सामने खड़ा जब करवाया गया तो वो बोला कि ये नहीं, इनको मैंने पैसा नहीं दिया है। वो बोले आप किसको पैसा दिया, तो वो शिवा साहू को पैसा दिया रायकोना से, मेरे पिताजी का नाम लिया गया। तो उसके द्वारा आवेदन भी मैंने पढ़ा, तो वहाँ पर ये हुआ कि उस व्यक्ति ने मेरे शक्ल को पहचानने से मना कर दिया। अच्छा, जबकि मैं ये चीज़ किया ही नहीं हूँ। अब कौन थे वो, उनके बारे में कुछ जानकारी है, क्यों बोल रहे थे ऐसा, क्या किस उद्देश्य से पैसा दिए थे, कुछ बताए? ये चीज़ तो नहीं पता। जब आवेदन दिया तो उसमें 4 करोड़ रकम की हेरा फेरी का आवेदन लगाया गया था, और मुझे इस बारे में पूछताछ की गई। बाहर बहुत सारा भीड़ था, भीड़ किस कारण से था ये भी मेरे को नहीं पता। लेकिन जब मैं वहाँ, टीआई साहब नहीं थे, टीआई नहीं थे ना, वहाँ एसपी थे जो रहते हैं 5-10 लोग, उसके बाद जब भीड़ हुआ किसी कारणवश तो उसके वजह से, और वहाँ फोर्स आई, बहुत सारे पुलिस वाले आ गए और भीड़ भी बढ़ गई थी। अब हम अंदर में थे, सर आए जो टीकाराम खटकर जी हैं, उन्होंने मुझे उसके सामने लेकर पूछा ये कौन है, इन्होंने आपको पैसा दिया? तो मैंने सिर्फ खड़ा हुआ, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैंने इस व्यक्ति को पैसा नहीं दिया। अच्छा, कुछ दिनों से ये चर्चा चल रहा है कि शिवा साहू कोई चिटफंड कंपनी चला रहा है अवैध तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ रहता हूँ। काम क्या करते हो? ये मेरा निज निवास है, ग्राम रायकोना, खेती हमारा व्यापार है, और पापा जी कारपेंटर है, बढ़ाई जिसे बोलते हैं आपकी भाषा में, वो हम करते हैं। आज भी हमारा बढ़ाई गिरी का धंधा था, मेरे बड़े भैया थे हकनी, बड़े पापा के, उनकी डेथ हो गई जब कोरोना काल में था, तो मेरे परिवार से 3 महीने में 5 लोगों का डेथ हो गया, जिसके कारण से यह दुकान हम लोग चलाने में असमर्थ हो गए, जिससे बढ़ाई गिरी का धंधा कम हुआ, उसके साथ साथ खेती चालू हो गया। तो उससे अपन बरसात में तो खेती होती है अपने, खेती बाड़ी कितनी? 10 एकड़ खेती है। 10 एकड़ खेती बाड़ी। गाड़ी क्या क्या है, कुछ गाड़ी है, सोशल मीडिया में देखा जाता है, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक में। एक थार है जो पापा के नाम पे अभी लोन पे चल रही है, और एक एक्सयूवी है जो सिर्फ और सिर्फ शादी सीजन के लिए चलाने के लिए रखा गया है, अपन बुक में रेंटल उसको यूज करते हैं हमेशा, जिसकी भी शादी वादी होती है कुछ उसमें जाने आने। देखा जाता है कि जब आप चलते हैं पूरा काफिला चलता है, इम्पोर्ट किए गए ट्रैक्टर, एसयूवी, बड़ी गाड़ियां, महंगी लग्जरी गाड़ियां, जो सरसिवा का वीडियो आया था उसमें भी एक लग्जरी गाड़ी दिख रही थी, उसके बारे में बताइए। ये सारे ग्रुप में है दोस्त यार जो मेरे आसपास में पहचान है, जिनके साथ मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो सारे अभी हम लोग शौकीन के लिए वो चीज़ रैली निकाले थे 22 जनवरी का जो कार्यक्रम था अयोध्या राम मंदिर का, उसकी उपलक्ष्य खुशी में एक ट्रैक्टर की रैली यात्रा निकाली गई थी, जिसमें मैं अपने ही दोस्त का गाड़ी चला रहा हूँ, कहे कि मेरी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है करके उन्होंने मेरे को ट्रैक्टर दिया। कितनी फैन फॉलोइंग, कहाँ फैन फॉलोइंग ज़्यादा? मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर ज़्यादा है करके कितने हैं? लगभग अभी 5,000+ हो गए। अच्छा, तो उसके बाद वो न्यूज़ बना, उसके बाद उसमें जब घूमे वो रील अपलोड हुआ, तब जाके और ज़्यादा वो बढ़ते गया, उसके बाद जो था देखते गए। अभी अपना प्रॉपर काम यहाँ खेती होता है, और बढ़ाई गिरी अब कम हो चुका है पहले से। सरसिवा थाना में जिस तरह से हुड़दंग हुआ उसके बाद से कहा जा रहा है कि आपके प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्तियां, इसका ब्यौरा मांगा जा रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप बताना चाहें हमको? तो मैं, मेरे को फ़ोन आया था, मैंने अपनी पूरी चल अचल दोनों संपत्तियाँ लिख के दी है,
जितने का मैं गवर्नमेंट को ITR भरता हूँ वो सब चीज़ मैंने शो करके दिया। मेरे पास जो है उसके साथ साथ मेरे माता पिता, मेरे दोनों बहनें हैं, उनके नाम पे जितनी भी संपत्ति अभी तक है या ली दी गई है वो सारी मैंने लिख के दी है। उसमें से बहुत सारी ज़मीन अपने पिछले मतलब अपने दादाजी की है। दादाजी का कहना है कि उनका एक बेटा और पोता मेरे भैया और बड़े पापा का डेथ हो जाने के कारण दादाजी का कहना है कि अभी से संपत्ति को दोनों बेटों के लिए बंटवारा कर दिया जाए। इसलिए मैंने नहीं मतलब दादाजी ने बंटवारा करके उनकी सारी संपत्ति बांट दी है। इसके कारण से अपने नाम में ज़्यादा ज़मीन हो गई है। पहले अपने पास 4 या 5 एकड़ ज़मीन थी खेती के लिए जो हमारे पापा के नाम पे थी। उसके बाद जब दादाजी ने और हिस्सा दिया तब जाके अभी 10-12 एकड़ हुआ है। अपने भैया का भी खेत अपने हम लोग ही खेती करते हैं जिससे उनका भी 10 एकड़ और हमारा भी दोनों खेती एक साथ होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं या तो शिवा साहू चिटफंड कंपनी चलाता है या ट्रेडिंग करता है, क्या इसके पीछे कहानी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि आप अफवाह है ऐसी कि लोगों से पैसा लेते हैं, बड़े रकम उनको वापस करते हैं, ये इसके बारे में क्या चल रहा है? गांव के कुछ लोगों को आर्थिक मदद करने की भी बात सामने आई थी, क्या किसी परिवार के कोई सदस्य बीमार था उसको इलाज के, बच्ची जो साइकिल की डिमांड कर रही थी उसको भी साइकिल दिया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, मेरे साथ आपने जो पहली क्वेश्चन किए उसका आंसर ये है कि मैंने आज तक गांव में किसी को चंदा या किसी को इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं दिया, चाहे कि मेरे पास ही उतना पैसा है नहीं। और दूसरी चीज़ आपने जो क्वेश्चन किया साइकिल, मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाला है, वो साइकिल लगभग मेरे को 6,000 रुपए की पड़ी थी। हमने सारे दोस्तों ने ये चीज़ ग्रुप बना के पैसा इकट्ठा करके डाला था। उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भैया मेरे को स्कूल जाने में अपने गांव घर से 7 किलोमीटर दूर सरशिवा स्कूल जाने में मेरे को तकलीफ़ होती करके। तो मैंने इस चीज़ को पूरे ग्रुप अपने जो दोस्त यार हैं जो काम करते हैं एक साथ उनसे इस बारे में डिस्कशन किया, तो सब ने बोला कि हम भी मतलब कंट्रीब्यूट करके जो सामूहिक तौर पर जो है मदद किए हैं। तो उसमें क्या है सब दोस्तों यारों का 500,000 जिसका जैसा बन सका ऐसा चंदा करके उसको एक साइकिल अपने तरफ से दिए। अच्छा, अब मैं अंतिम सवाल आपसे लूंगा, ये जो अब माहौल है जिस तरह से, क्या शिवा चिटफंड कंपनी चलाता है या नहीं चलाता, शिवा किस तरह से पैसा को लोगों को पैसा डबल करता है या नहीं करता, आप लोगों को सीधा संदेश क्या देना चाहेंगे? अगर आपको शिवा को लोग जानना चाहें तो क्या संदेश देना चाहेंगे, आप करते क्या हैं, और वो जो लोग इस तरह से भ्रम में जी रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा संदेश ये है कि मैं खेती करता हूँ, किसान हूँ, ग्राम रायकोना का रहने वाला हूँ, यहीं का निवासी हूँ, जब से पैदा हुआ तब से यही हूँ। और ये जो सारी बातें हैं वो सारी अफवाह हैं और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यही जी है। मैंने रायकोना में ही पढ़ाई की 1 से 5वीं तक और 6वीं से लेकर 12वीं तक अपने सरशिवा क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर सरशिवा करके है विद्यालय, वहाँ तक मैंने उच्चतर विद्यालय में पढ़ा है। अपने ही क्षेत्र में मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमी होने के कारण सरशिवा में ही कॉलेज बना हुआ है जिसका नाम पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से है, कॉलेज नाम दुलीचंद जलान कॉलेज करके सरशिवा में ही है। वहाँ मैंने अपनी BSc की पढ़ाई की है, मेरा BSc फाइनल हो चुका है, इस साल MSc में एडमिशन हुआ था बट पैसा ना होने के कारण मैंने परीक्षा फॉर्म नहीं डाल पाया और फीस भी नहीं भर पाया जिसके कारण मेरी इस साल की पढ़ाई स्थगित की गई है। अगले साल से MSc का पढ़ाई है मेरा भी और गाँव में ही पापा के साथ खेती प्लस मैं यहाँ अपने पिताजी का व्यवसाय के साथ साथ रहता हूँ। भैया का डेथ हो जाने के कारण उनका भी खेती प्लस व्यवसाय दोनों एक साथ ही संभालता हूँ और ये सारी जो बातें हैं वो बेफिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ होता तो मैं भी ऐसे थोड़ी ना रहता जी, नॉर्मल ही रहता हूँ। आप कभी भी मेरे से मिलना चाहे तो रायकोना आइए, मैं रायकोना में ही रहता हूँ। लोग बोलते हैं कि दूसरी जगह रहता सिवा मिलता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे बारे में जो भी जानकारी जानना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID shivasahu284 ये ओरिजिनल मेरी ID है और शिवा विद जर्नी करके यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें आप जाके पूरी मेरे बारे में जान सकते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर सेंसेशन है और आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि शिवा साहू एक जिस तरह का काम करते हैं लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। अब आपने सुना, आपने देखा शिवा साहू क्या कह रहे थे, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं या फिर चिटफंड कंपनी चलाने के आरोप लग रहे हैं, उस पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। अब देखते हैं कि आगे जो उनके ऊपर जांच चल रही है उस वो किस मोड़ आता है, अब जो अभी की परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर वो भविष्य में क्या करते हैं वो आपको अपडेट कराएंगे।
बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।